हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विजिट एक पर। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में इंस्टाग्राम पे जो न्यू फीचर्स आए हैं उनकी बात करने वाले हैं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास ऐसी अपडेट पहुँचती रहे। अब चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मोबाइल स्क्रीन पर चलना होगा, तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर ओपन कर लिया हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ओपन कर लेना है, फिर आपको होम पेज पे चले जाना है। तो मैं होम पेज यहाँ पे बता देता हूँ। ये नीचे यहाँ पे देखिए होम पेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे होम पेज पे आपको क्लिक कर देना है और मैसेज वाले ऑप्शन पे चले जाना है। तो मैसेज वाला ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे आपको चले जाना है। तो जैसे ही आप इसमें जाओगे तो मैसेज आप जो चैट करते हो वो सेक्शन आ जाएगा। तो इस सेक्शन में ही काफी अपडेट आए हैं, नए फीचर्स आए हैं, उनकी बात करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको किसी एक की चैट ओपन कर लेनी है और फिर बात करते हैं फीचर्स की। तो मैं यहाँ पे चैट ओपन कर चुका हूँ और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो पीछे थीम आ रही है वो आप अब चेंज कर पाओगे। तो वो कैसे चेंज करना है और अगले फीचर्स क्या क्या हैं जो भी है वो बात करते हैं। तो अभी बात करते हैं थीम की। तो अब आप थीम भी इसमें चेंज कर पाओगे, तो वो किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नाम आ रहा है उस पर आपको टैप करना है। अगर आपके नाम पे टैप करने के बाद में वो ऑप्शन नहीं खुलता है तो यहाँ पे एक आई बटन आएगा, उस पर आपको ओपन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ मुझे नाम पे ओपन करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हो चुका है ओपन। और यहाँ पे जो थीम वाला सेक्शन है उस पर आपको टैप करना है। तो थीम वाले सेक्शन पे आप टैप करोगे, पहले ये नहीं था, ये नए फीचर्स हैं तो उन्हीं की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे थीम्स ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कलरफुल, मल्टी कलर और जो भी है अदर थीम्स वो सारी आपको मिल जाएगी और जैसे अपडेट आएंगे वो थीम्स ऐड होती जाएगी और, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो ऊपर वाला है वो एक बार ट्राई करता हूँ और देखता हूँ किस तरीके से लगती है। तो ये देखिए काफ़ी कलरफुल थीम है, काफ़ी अच्छी थीम है। तो इस तरीके की थीम आप यूज़ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये चेंज करने का अधिकार आपको ही नहीं है, अगला आप जिससे चैट कर रहे हो वो भी चेंज कर सकता है। वो चेंज करेगा तो भी आपके यहाँ पे चेंज बताएगा, ऐसा नहीं है कि उसी के फ़ोन में बताएगा, ठीक है। तो दोनों पर्सन को ये बताने वाला है, चेंज कोई भी करे वो चेंज करे या आप चेंज करो। तो दोनों चेंज करते हो दोनों में से तो वो चेंज दोनों को ही बताएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट फीचर्स हो गया। अब सेकंड फीचर्स की बात करते हैं। तो जो व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने का ऑप्शन था वो इसमें भी आ चुका है, वो भी काफ़ी अच्छा फीचर्स लगा मुझे। तो वो कैसे करना है, जैसे व्हाट्सएप पे करते थे उसी तरीके से करना है। तो मैं यहाँ पे आपको रिप्लाई करके बता देता हूँ। तो जैसे आप इसको स्लाइड करोगे राइट की तरफ तो यहाँ पे रिप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे देखिए वो सेलेक्ट हो गया है ऑप्शन मैसेज। तो यहाँ पे आ रहा है रिप्लाइंग टू, फिर जो भी जिसको आप रिप्लाई कर रहे हो, जिस बंदे की मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे मैं रिप्लाई कर देता हूँ उसको, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आ चुका है। तो इसका जो मैसेज था मैं आपको बता देता हूँ ऊपर चल के। ये देखिए ये मैसेज, उस मैसेज के ऊपर आ रहा है और फिर मेरा मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने इस मैसेज का रिप्लाई किया है, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं थर्ड फीचर्स की। तो थर्ड फीचर्स क्या है, वो भी काफ़ी अच्छा फीचर्स है, यूजफुल फीचर्स है। जैसा कि आप रिप्लाई करते हो किसी मैसेज का तो इमोजी वगैरह से देना चाहते हो, तो पहले हार्ट का ऑप्शन आता था, हार्ट इमोजी आता था उस पर, डबल टैप पे हार्ट इमोजी आ जाता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप कोई सा भी इमोजी उसको रिएक्ट कर सकते हो कोई से भी मैसेज में। तो वो किस तरीके से करना है, तो आपको जिस भी मैसेज इमोजी से रिप्लाई करना है उस पर आपको टैप करके रखना है। तो जैसे टैप करके रखोगे तो यहाँ देखिए इमोजीज ओपन हो चुकी है। तो आपको और इमोजी चाहिए जो आप यूज़ करते हो डेली में, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आप जैसे प्लस वाले आइकन पे यहाँ पे क्लिक करोगे, तो प्लस वाले पे क्लिक करने के बाद में ये देखिए यहाँ पे प्लस वाला आइकन आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में जो सारी जो इमोजी है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, आप कोई सी भी इमोजी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए सारी इमोजी यहाँ पे अवेलेबल है, तो कोई सी भी इमोजी से आप रिएक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट वो है उसी से रिएक्ट कर सकते हो, पहले जो थी वो उसी से रिएक्ट कर पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सारी इमोजी से आप रिएक्ट कर पाओगे मैसेज में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो भी है वो कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे रिप्लाई करके आपको बता देता हूँ, तो ये देखिए मैंने रिप्लाई किया, यहाँ पे हो चुका है, इमोजी आ चुकी है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर ये फीचर्स आपको तीनों फीचर्स अच्छे लगे तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये फीचर्स कैसे लगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक से ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।